हेलो वेलकम टू जियो माइंड ऐप दिस इज नंबर ट्वेल्व ऑन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी तो जैसा कि आपको पता है हम ब्रिटल डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और faults, जो है वो ब्रिटल डिफॉर्मेशन के अंदर आते हैं ब्रिटल डिफॉर्मेशन राइट सो सैनड्रिया फॉल्टे एक एग्जाम्पल है, है ना आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा और यूएसए में एक ये आ, बहुत बड़ा रीजनल फॉल्ट है ठीक है रीजनल मतलब इसका स्केल बहुत बड़ा है काफी ज्यादा बड़ा है है ना आप मैप पे आप देख सकते हो और सैन एंड्रियास फॉल्ट पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के मूवमेंट से ये बना है और इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ठीक है अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है हम आगे देखेंगे जब टाइप्स ऑफ फॉर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे है 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 ना सो दिस इज इज जस्ट एन ठीक ठीक तो जैसे कि यहाँ पे लिखा फॉल्ट एनी और जोन इन अर्थ अक्रॉस मेजरेबल स्लिप मतलब एक ऐसा जोन या सरफेस है अर्थ पे जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को इजिली मेजर कर सकते हैं और किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है जनरली शेयर डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है अब शेयर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है शेयर क्या होता है ये सब हमने आगे पढ़ रखा है राइट पहले लेक्चर्स में ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है कि मेजरेबल स्लिप ठीक है जिसको हम मेजर कर सकते हैं राइट तो फॉल्ट को हमें क्यों लाइक फॉल्ट हम क्यों पढ़ते हैं ये हम देखते हैं सबसे पहले ठीक है तो सबसे पहला क्या है साइजमिक एक्टिविटी राइट अर्थ तो अर्थक्वेक क्या है एक नेचुरल डिजास्टर है और ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर्स को मिटिगेट करने के लिए हमें उनका कॉज भी एनालाइज करना पड़ता पड़ता है ठीक है और अर्थक्वेक का एक इंपोर्टेंट कॉज क्या होता है फॉल्ट ठीक है साथ ही साथ जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे डैम्स ब्रिजेस बिल्डिंग्स एंड पावर प्लांट्स ठीक है ये सारी चीजें जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आसपास कहीं पे फॉल्ट्स तो नहीं है क्योंकि ये जो फॉल्ट्स होते, है, होते हैं ये जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं अर्थ क्रस्ट पे दे विल अफेक्ट द डिजाइन एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स ठीक है और ये स्ट्रक्चर्स बनाने तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट करना जरूरी है है ना ठीक है तो डैम्स ब्रिजेस बिल्डिंग पावर प्लांट्स टनल ठीक है ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें आसपास देखना पड़ता है कि फॉल्ट है कि नहीं है और उनकी स्टडीज हमें करनी पड़ती है खासकर उन एरियाज में जो अभी अभी यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल हिमालया वाले रीजन में जितने भी इंडिया की स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका उत्तराखंड हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया और नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो गए वहां पे अगर हम डैम्स ब्रिजेस बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो वहां पे क्या है हिमालय क्या है एक एक्टिव माउंटेन चेन है और एक्टिव माउंटेन चेन होने के कारण वहां पे फॉल्ट्स काफी ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल एक टिहरी डैम है इन उत्तराखंड ठीक है इट इज वन ऑफ द हाइस्ट डैम्स इन दर्ल्ड और उसके आसपास आपका एक फॉल्ट गुजरता है जो की मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको हम कहते हैं और थ्रस्ट भी एक तरीके का फॉल्ट होता है है ना तो ये सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट में कि थ्रस्ट क्या होता है नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है ठीक है तो एम को स्टडी करना पड़ा तब जाके टेरी डैम को हमने बनाया है ना बिना एम को स्टडी किए हुए हम डैम नहीं बना सकते थे ठीक है साथ ही साथ और बॉडीज और या आप कह सकते हो तो कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं ठीक है उनके एक्सट्रैक्शन के लिए ठीक है माइनिंग के लिए फॉल्ट की स्टडीज करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहीं कहीं पे ओवर बॉडीज जो होते हैं या ऑयल फील्ड्स जो होते हैं ठीक है ऑयल फील्ड्स में जो फॉल्ट होते हैं वहां पे आ, जो ऑयल होता है वो कभी कभी ट्रैप हो जाता है फॉल्ट में ठीक है तो उनकी फॉल्ट की स्टडी करना वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है फिर अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो इन ग्राउंड वाटर फॉल्ट परमेबिलिटी ऑफ दी रॉक्स एंड सेडिमेंट्स ठीक है क्योंकि अगर आपके पास रॉक है और वहां पे मल्टीपल फॉल्ट आपके गुजर रहे हैं ठीक है तो फॉल्ट क्या होता है एक तरीके का क्या होता है यानी कि ब्रेक इन स्ट्राटा होता है ठीक है थीके? क्योंकि वहां पे स्लिप हो रखा होता है तो एक सरफेस या जोन बन जाता है जहां पर डिसकंटिन्यूटी रहती है तो वहां पर वाटर या फ्लूड इजिली फ्लो करता है ठीक so है सो ड्यू टू दैट द परमेबिलिटी ऑफ द रॉक इंक्रीजेज है क्योंकि है तो

बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे तो so, फॉल्ट जो टर्मोलॉजी है वो एटीन सेंचुरी पीक पे थी राइट right? क्योंकि सेंचुरी में स्टडीज बहुत कम की जाती थी जनरली यू नो ओर की तरफ ज्यादा यू नो वर्ल्ड का फोकस था कि किस तरीके से हम रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करें राइट right? तो जब कोल की माइनिंग की जाती थी तो जो माइनर्स uh, होते थे वो अपना डिग करते थे राइट? दिस ब्लैक लेयर इज योर कोल ना तो एक माइनर है माइनर ने डिग किया और अपनी कोल की लेयर पे पहुंच गया यहां से उसने इस की तरफ डिक uh, करना चालू किया माइन करना चालू किया राइट right? एंड जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा उसने देखा कि जो कोल की लेयर है जो सीम है दैट हैज एब्रप्टली एंडेड एकदम से ये डिस हो गई है तो वहां से ही जो फॉल्ट का टर्मोलॉजी है वो आया माइनर ने कहा कि देर इज समथिंग रॉन्ग और देर इज अ फॉल्ट इन द कोल सीम है ना या लेयर कि भाई एकदम से कोल की सीम है वो एब्रप्टली एंड हो चुकी है बट एक्चुअली ये एंड क्यों हुई क्योंकि यहां फॉल्ट गुजर रहा था है ना फॉल्ट जो सरफेस है वो गुजर रहा था तो फॉल्ट एक नॉर्मल फॉल्टिंग है इसमें क्या हुआ कि इधर का जो ब्लॉक है वो डाउन शिफ्ट हो गया और जो कोल की लेयर पहले यहां थी वो अब यहां पहुंच गई है ना तो एकदम से अब्रप्टली अंग तो यहां से ही जो फॉल्ट की टर्मोलॉजी है वो आई राइट रिवर्स थ्रस्ट में भी आप देख सकते हो कि ये कोल की लेयर है लेट्स से उसने डीप डिग डाउन किया डीप इधर की तरफ उसने माइन करना चालू किया तो एकदम से कोल की लेयर हट गई डिसअपेयर हो गई तो माइनर्स ने कहा कि देर इज अ फॉल्ट विद द कोल लेयर्स बट एक्चुअली द कोल लेयर्स पर ऑफसेट है ना

को पढ़ रहे हैं है ना? तो ब्रिटल डिफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पढ़ चुका है, ठीक है क्या होता है, है? है, है ठीक तो तो ये आपको ध्यान में रखना है, है ना? तो जैसे फॉर पे आपका है, एक का है, block, ये है अर्थ का एंड सेकंड ब्लॉक डाउन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन पहले ये समथिंग अराउंड यहां पे रहा होगा वो राइट और फॉल्ट होने के बाद ये मूव डाउन गया तो इतना ये डिस्प्लेस हो गया है ना इतना डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ठीक है तो ये आप कह सकते हो कि फॉल्ट क्या होती है एक डिस्कंटिनुइटी भी होती है किस चीज की डिस्कंटिनुइटी कि जो आपकी लेयर्स हैं लेट्स से कि एक लेयर ये थी लेट्स से कि ये कोल की लेयर है है ना इसको हम मार्कर होराइजन भी कहते हैं मार्कर लेयर भी कहते हैं कि एक डिस्टिंक्टिव लेयर लेयर हमें अर्थ अर्थ से में दिख रही है तो उसको हम मार्कर भी कहते हैं ठीक है अब ये अपनी ओरिजिनल से ऑफसेट हो चुकी है तो वो यहां पहुंच चुकी है राइट तो आप कहोगे ना कि ये एक डिस्कटिन्यूटी भी है राइट तो फॉल्ट इज ऑल्सो डिस्कटिन्यूटी विद वॉल पैरल डिस्प्लेसमेंट वॉल पैरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये सरफेस है यहाँ पे ना पुरा -पुरा है. के के है, है ना ये पूरा का पूरा फॉल्ट का सरफेस है फॉल्ट के सरफेस के आइदर साइड वाली जो रॉक्स होती हैं उनको हम वॉल कहते हैं है ना ये वॉल होगी और ये वॉल हो गया ठीक है तो वॉल पैरेलल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वॉल की पैरल हो रहा है है ना आप देख सकते हो ना ये एरो डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है ठीक है अब ये फुटबॉल क्या होती है, हैंगिंग वॉल क्या होती है हम आगे देखेंगे ठीक है अच्छा फॉल्ट सिर्फ सरफेस नहीं होता फॉल्ट जोन भी हो सकता है ठीक है जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि मल्टीपल आपको फॉल्ट देख देखने को मिल रहे हैं राइट तो, तो फॉल्ट जोन इज यूज फॉर बिडल स्ट्रक्चर जहां पे होता है एंड स्लिप अकर्स ऑन सेवरल फॉल्ट ठीक है विद ऑफ बैंड ऑफ डिफाइनेबल विड्थ है ना तो आप देख सकते हो कि इस विड्थ के अंदर आपको मल्टीपल फॉल्ट भी देखने को मिलेंगे तो फॉल्ट जोन भी हो सकता है ठीक है एक बड़ा एरिया भी हो सकता है और फॉल्ट सरफेस भी हो सकता है कि एक सरफेस आपको देखने को मिल रहा है ठीक है फॉल्ट स्प्लेस भी होते हैं कि आपका एक मेन फॉल्ट है और फॉल्ट के फॉल्ट uh, के आसपास छोटे छोटे सेकेंडरी फॉल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉल्ट स्प्लेके अच्छा अब एक टर्मोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है शेयर जोन ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे डक्टाइल डिफॉर्मेशन में तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब अर्थ क्रस्ट के डीप डाउन हम चले जाते हैं से like, कि 10 किलोमीटर से नीचे ठीक है तो जो अर्थ है वो डक्टाइल बिहेवियर चालू कर देती है अपना है ना मतलब डक्टाइल डिफॉर्मेशन चालू हो जाता है जहां पे क्या है देर इज नो लॉस ऑफ ना

तो आप देख सकते हो ये आपका शेयर जोन है तो यहां पे फ्रैक्ट ब्रिट, ब्रिटल डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है जो डिफॉर्मेशन हो, हो, हो रहा है ठीक है तो इसलिए आपको डिस्टिंग करना है नॉर्मल फॉल्ट जोन से फॉल्ट सरफेस से और शेयर जोन से ठीक है शेयर जोन इज जनरली हैपनिंग एट डीप डाउन दी अर्थ क्रस्ट ओके ठीक है शेयर जोन आर इन द डक्टाइल मटेरियल ऑफ मटीरियल इन ब्रिटल मटेरियल शेयर आर रीजन ऑफ लोकलाइज है तो यहां पे क्या है डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डक्टाइल वाला डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ठीक है तो आप कह सकते हो कि शेयर जोन आर डक्टाइल फॉल्ट बाय कॉन्ट्राक्ट टू द ब्रिटल फॉल्ट ठीक है तो ये डक्टाइल फॉल्ट होते हैं बट हम जो फॉल्ट्स पढ़ रहे हैं जो कॉमन जियोलॉजी में फॉल्ट्स पढ़ते हैं वो हम ब्रिटल फॉल्ट्स पढ़ते हैं ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है सो दिस इज हैपनिंग एट वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर्स ठीक है फॉर्मड अंडर कंडीशंस ऑफ एलिवेटेड टेंपरेचर्स एंड हाई कन्फाइनिंग प्रेशर्स और ऑब्वियसली ये कहां होगा जब अर्थ सरफेस के नीचे हम 10 से 20 किलोमीटर के आसपास जाएंगे यानी कि डेप्थ हम बढ़ा देंगे तब आपका डक्टाइल शेयर जोन बनेंगे ठीक है तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम डक्टाइल डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम डक्टाइल शेयर जोन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिर हम शेयर जोन इंडिकेटर जो होते हैं वो पढ़ेंगे ठीक है ये सारी चीजें पढ़ेंगे ठीक है तो ये बस एक इंट्रोडक्शन था कि शेयर जोन्स अगर आता है कहीं पे तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है ठीक है डिस्टिंग्विश करना है नॉर्मल ब्रिटल फॉल्ट से ठीक है तो so, जैसा कि मैंने कहा फॉल्ट जो होते हैं वो डिफरेंट स्केल्स पे होते हैं है ना माइक्रोस्कोपिक फॉल्ट भी होते हैं ये आपकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें यू कैन सी दी मिनरल ग्रेन ऑफ फेल्ट पार ठीक है एंड फेल्ट पार क्या होता है ये आपको पता होगा ठीक है मिनरोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है सो so, यहां पे आप देख सकते हो कि ये फॉल्ट है है ना माइक्रोस्कोपिक जिसमें फेल्स पर ग्रेन जो है वो फॉल्टेड आपको दिख रहा है ना समथिंग लाइक दिस ये भी आपका वैसे है इस तरीके से सो यू कैन सी द फॉल्टिंग दैट इज हैपनिंग राइट इसी तरीके से मीजो स्के स्कोपिक स्केल पे आप देख सकते हो कि आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो प्रॉब्लली हाँ, ये दस फीट की ये आ, लेयर होगी है ना इसमें आप मार्कर होराइजन भी देख सकते हो एक डिस्टिंक्टिव लेयर मार्कर मार्कर डिस्टिंग क्या होता है एक डिस्टिंक्टिव लेयर होती है सेडिमेंट की मे बी क्ले और कोल सीम और एनीथिंग विच कैन बी इजिली डिस्टिंग है ना और इसका ऑपसेट आपको दिख रहा है तो यहाँ पे फॉल्ट फौ, जो है वो कौन सा है ये वाला है राइट कैन so सी कि दिस ब्लॉक स्केच आप देख सकते हो यहाँ पे राइट right? तो यहाँ पे जो ये वाली लेयर है, layer, ठीक है? की लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे ठीक तो ये इसका स्केच है तो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो मेजरेबल डि डिस्प्लेसमेंट है, है ना? तो दिस इज अजोस्कोपिक स्केल इसी तरीके से लार्ज स्केल पे जैसे कि मैंने बताया कि फॉल्ट था या ये ये भी सैनड्रियास फॉल्ट है ठीक है एरियल फोटोग्राफ है तो ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे है यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर फ्लो कर रही थी और एकदम से स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ये बना है ना ये फॉल्ट आपका गया और रिवर ऑफसेट होगी अपनी ओरिजिनल पोजिशन से यहाँ पे आ गई है ना दिस इज अ रीजनल और लार्ज स्केल फॉल्ट ठीक है एंड हि कैन सी द सर्फेस ट्रेस ऑफ अ फॉल्ट ठीक है सरफेस ट्रेस को जिस तरीके से देखेगा ऑब्वियसली इन थ्री डी दिस गो डाउन लाइक दिस ठीक है और जैसे जैसे आ, हम आ, जैसे एक से दो किलोमीटर के आसपास अगर फॉल्ट रहेगा तो ये जनरली ब्रिटल फॉल्ट रहेगा इनको है ना इनको फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे हम पहुंचेंगे डीप डाउन दी अर्थ क्रेस्ट तो आपका जो डक्टाइल डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा है ना टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा डक्टाइल डिफॉर्मेशन भी चालू हो जाएगा तो यहां पे आपके शेयर ज़ोन्स बनेंगे राइट यहां पे ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री ऑफ फॉल्ट तो ज्योमेट्री ऑफ फॉल्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉल्ट प्लेन है ना तो फॉल्ट प्लेन एक प्लानर सरफेस होता है डिस्क्रीट होता है डिस्टिंक्टिव होता है अलॉन्ग विच देर हैज बीन अप्रिशियबली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक मासेज ऑन द आइदर साइड ठीक है तो ये आपका फॉल्ट प्लेन है ठीक है एक सरफेस है जिसके आइदर साइड में देर इज अ डिस्प्लेसमेंट हैपनिंग ऑफ द रॉक ठीक है आइदर द रॉक मास ऑन दिस साइड विल गो डाउन दिस विल गो अप और हो सकता है कि ये भी ऊपर जाए और ये नीचे जाए ठीक है डिपेंडिंग अपॉन किस साइड जा रहे हैं उस तरीके से हम फॉल्ट को डिस्क्राइब करेंगे आगे ठीक है तो फॉल्ट पे ना आपको पता चल गया कि वो surface जिस पे आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ठीक है दूसरा ठीक है तो रॉक एडजेंट टू द फॉल्ट सरफेस मैंने बताया कि इसको हम वॉल कहते हैं है ना ये फॉल्ट सरफेस है इसके एडजस्टेंट जो वॉल होगी यहां पे जो होगी ये होगी जो रॉक होगी उसको हम बोलेंगे वॉल ठीक है उसके बाद क्या होता है जो पूरा का पूरा ब्लॉक होता है इसको हम बोलते हैं फॉल्ट ब्लॉक फॉल्ट ब्लॉक फॉल्ट ब्लॉक ओके राइट देन देयर इज हैंगिंग वॉल एंड फुटबॉल हैंगिंग वॉल एंड फुटबॉल ये हम डिस्कस करते हैं कि हैंगिंग वॉल और फुटबॉल क्या होता है ठीक है देखो हैंगिंग वॉल इज द रॉक बॉडी अबव द फॉल्ट द्लेन फुटबॉल ज रॉक बॉडी बिलो द फॉल्ट प्लेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है ओके पीपल कंफ्यूज दिस वेरी मच ठीक है कैसे याद रखना है इमेजिन करो कि आप एक माइनर हो एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन दी फॉल्ट प्लेन आप फॉल्ट प्लेन पे खड़े हो यहाँ पे है ना ये फॉल्ट प्लेन ऐसा जा रहा है तो फॉल्ट प्लेन पे आप खड़े हो तो फॉल्ट प्लेन पे जब आप खड़े हो तो आपके ऊपर वाली जो वॉल होगी इसको हम बोलेंगे हैंगिंग बॉल ठीक है उसके ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा ठीक है जैसे जो डिस्प्लेस हुआ है उसको हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल और फॉल्ट सरफेस के नीचे वाला जो ब्लॉक होगा उसको हम बोलेंगे फुटबॉल हमेशा ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है लेकिन अगर लेट से कि फॉल्ट सरफेस इंक्लाइंड नहीं है जैसे यहां पे तो इंक्लाइंड है अगर डायरेक्ट ऐसा है वर्टिकल है फॉल्ट सरफेस फिर क्या होगा फिर ये फुटबॉल हैंगिंग वॉल वाली टेक्नोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगी ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है तो अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बेस्ड अपॉन हाउ डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुटबॉल एंड हैंगिंग वॉल इज हैपनिंग ओके ठीक है तो अगर हैंगिंग वॉल जो है इट इज लोअर्ड और डाउन थ्रोन रिलेटिव टू द फुटबॉल देन द फॉल्ट इज नोन एज नॉर्मल फॉल्ट ठीक है आप देख सकते हो कि हैंगिंग वॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल क्या है डाउन थ्रू गई है है ना तो इट्स को हम बोलेंगे नॉर्मल फॉल्ट फिर से मैं बता दूं आप अगर यहाँ पे खड़े हो जाओगे इस फॉल्ट सरफेस पे आप खड़ोगे और हैंगिंग बॉल अगर यहाँ लट से कि अपने ओरिजिनल पोर्शन में मैं इसको रखता हूं ठीक है तो हैंगिंग बॉल आपके सर के ऊपर रहेगी और फुटबॉल आपके पांव के नीचे रहेगी हमेशा ठीक है अगर इंक्लाइन सर्फिस है तो अच्छा उस तरीके से अगर हम ये वाला देखें तो इसमें क्या है इफ द मूवमेंट इज लैटरल ठीक है दैट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ठीक है अगर फॉल्ट ब्लॉक्स का मूवमेंट क्या है लैटरल है ठीक है हैंगिंग वॉल वॉल फुट का मूवमेंट क्या है लैटरल है अप एंड डाउन नहीं हो रहा है रादर इट इज हॉरिजॉन्टल देन दिस इज नोन एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ठीक है अब ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट दो तरीके के होते हैं इट इज आइदर लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल इसको हम सिनिस्ट्रल भी कहते हैं और डेक्स्ट्रल भी कहते हैं ठीक है लेफ्ट लेटरल का मतलब क्या है कि अगर आप इस ब्लॉक पे खड़े हो ठीक है तो आपको देखना है अपोजिट वाला ब्लॉक अपोजिट वाला ब्लॉक क्या है इधर की तरफ है राइट right? अपोजिट वाला ब्लॉक क्या है आप लेट सी कि आपका ये एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है ठीक है तो आपका जो ये वाला हाथ होगा वो कौन सा होगा लेफ्ट

और ये जो दे रखे हैं यहाँ पे इमेजेस ये स्टीरियोग्राफिक इमेजेस हैं ठीक है इसको भी हम डिस्कस करेंगे बट अगर आपको मैं एक एडवाइस दूं तो आप यूट्यूब यूट्यूब पे जाके, जाके प्रोफेसर जो शांतनु मिश्रा हैं आई थिंक आई आई खड़गपुर की वीडियोस हैं स्ट्रक्चरल जोलॉजी की उसमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बता रखा है कि किस तरीके से हम प्रोजेक्शन करते हैं तो वो अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा काफी अच्छी वीडियोज है हालांकि मैं भी बनाऊंगा लेकिन अगर आपको देखना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उनकी वीडियोज देखना स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की उसमें काफी अच्छे तरीके से बता रखा है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ठीक है तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ठीक है ना इसमें बेसिकली ये जो ग्रेट सर्कल है और ये जो दिखा रखा है ये प्लेन है फॉल्ट प्लेन है ना ये ये वाला प्लेन दिखा रखा है टू में फॉल्ट प्लेन राइट दिस वन एंड दिस इज द डिप डायरेक्शन ठीक है उसी तरीके से sorry, uh, yeah. उसी तरीके से ये है कि, uh, जो का वो है तो यहां पे आएगा ठीक है अभी कैसे आएगा ये आप वो वाली वीडियो देख सकते हो और स्टेडोग्राफिक पोजीशन मैं भी बनाऊंगा आगे वीडियो ठीक है ओके तो स्ट्रेक्चुअली फॉल्ट हमने पढ़ लिया अब आता है रिवर्स फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट में आपको ध्यान में रखना है कि फुटबॉल के रिस्पेक्ट में हैंगिंग वॉल जो है इट हैज गॉन अप ठीक है तो इट इज अपोजिट ऑफ योर नॉर्मल फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट में फुटबॉल के रिस्पेक्ट में हैंगिंग वॉल क्या है डाउन थ्रोन हो रही थी अब फुटबॉल के रिस्पेक्ट में हैंगिंग वॉल क्या है इट अप थ्रोन ठीक है सो दिस इज योर रिवर्स फॉल्ट ठीक है ठीक है फिर से मैं बता रहा हूं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब में आप जाना एंड प्रोफेसर प्रोफेसर शांतनु मिश्रा की प्लेलिस्ट है स्ट्रक्चर जियोलॉजी की ठीक है उसमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखा रखा है काफी अच्छे से ठीक है बाकी वीडियोस भी हैं अच्छी वीडियोस हैं बट वो उतना थोड़ा सा क्या है सिलेबस फोकस नहीं है ठीक है कंपटीशन से फोकस नहीं है तो इसलिए मैं वो ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा आप देख सकते हो बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिशन ठीक है ओके अच्छा कुछ कुछ फॉल्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिस्ट्रिक फॉल्ट लिस्ट्रिक फॉल्ट बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आपका फॉल्ट का सर्फेस कर्वड है ठीक है और जैसे जैसे आप डीप डाउन जा रहे हो जो एंगल ऑफ कर्वेचर है वो क्या है लो होता जा रहा है मतलब नीचे मतलब डाउनवर्ड क्या होगा आपका एंगल ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज लो एंगल और यहां पे आपका हाई एंगल रहेगा है ना ऐसे कुछ इस तरीके का आपका फॉल्ट का सरफेस है तो यहाँ पे क्या इस इस वाले रीजन में हाई एंगल रहेगा राइट और यहाँ पे क्या हो जाएगा लो एंगल ठीक है सो अ फॉल्ट दैट फ्लैटन डाउनवर्ड है ना जैसे इसको आप देखो जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो ये फॉल्ट सरफेस फ्लैटन होता जा रहा है फ्लैट होता जा रहा है ठीक है सो दिस इज नोन एज लिस्ट्रिक अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाए कि

ठीक है लार्ज ग्रूव वगैरह देख सकते हो आप इस पर बट इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये याद रखने है इट फ्लैट डाउनवर्ड ठीक है तो नियर द सर्फेस इट इज हाई एंगल फॉल्ट एंड डीप डाउन द सर्फेस इट इज लो एंगल फॉल्ट ठीक है ओके अब हम आगे बढ़ने से पहले आ, कुछ चीजें समझ लेते हैं जैसे स्ट्राइक क्या होती है डिप क्या होता है ठीक है ये आपने प्रॉब्लम पढ़ा होगा बहुत बेसिक है है ना अपने कभी फील्ड बीएससी में हो, अगर आपको तो आप फील्ड गए होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा स्ट्राइक क्या होती है डिप क्या होता है ठीक है तो इसको हम थोड़ा समझेंगे उसके बाद ही हम आगे की चीजें डिफाइन कर पाएंगे किस you know, क्या होते हैं ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट क्या होते हैं ठीक है थीके? ये सब हम आ, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो डिप और स्ट्राइक बहुत बेसिक है लेट्स से कि आप क्या है आ, आपके पास ये लेयर्स हैं रॉक्स की शेल एंडस्टोन ठीक है और ये इंक्लाइन लेयर्स हैं ठीक है तो इन लेयर्स का हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आप अगर फील्ड में हो तो इसका ओरिएंटेशन देखना पड़ता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के रिस्पेक्ट में इनका ओरिएंटेशन कितना है और ये कितनी इंक्लाइंड है है ना तो बेसिकली इंक्लिनेशन जो होता है लेयर्स का उसको हम बोलते हैं डिप राइट और किस डायरेक्शन में डिप कर रही है उसको हम बोलते हैं डिप डायरेक्शन ठीक है सिंपल सी बात है जैसे कि ये आपकी लाइमस्टोन की लेयर है ये वाली ठीक है और ये कंपस है जिसमें कंपस में ये नॉर्थ है ठीक है दिस इज ईस्ट वेस्ट साउथ ठीक है दिस डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो लेयर है वो कहाँ की तरफ डिप कर, कर, कर रही है किस डायरेक्शन की तरफ डिप कर रही है साउथ ईस्ट की तरफ डिप कर रही है ठीक है और उसका डिप करने का एंगल कितना है ट्वेंटी फाइव डिग्रीज है ठीक है ये आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको दिख रहा है ग्रे वाला राइट right? तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कितना डिप कर रहा है ट्वेंटी फाइव डिग्री डिप कर रहा है राइट right? और इसका स्ट्राइक क्या है दिस इज द स्ट्राइक ठीक है नॉर्थ से फोर्टी फाइव डिग्री ईस्ट ठीक है बहुत सिंपल है और उसका सिंबल क्या होगा इस तरीके का होगा ठीक है ट्वेंटी फाइव डिग्री तो ये दिखा रहा है कि ट्वेंटी फाइव डिग्री ये इस डायरेक्शन में डिप कर रहा है और ये इसका स्ट्राइक है ठीक है तो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि फॉल्ट का सरफेस भी एक तरीके से डिप करता है है ना इंक्लाइंड होगा तो तो ऑब्वियसली उसका एंगल ऑफ डिप भी होगा हो राइट तो यहां, पे और यहां पे बता है कि आपकी लेयर्स हैं ठीक है थीके? और ऑरिजेंटल के रिस्पेक्ट में कितना ये डिप कर रहा है ठीक है और ये इसकी स्ट्राइक होगी ठीक है बहुत सिंपल है ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो Uh, कुछ कुछ एंगल्स दे रखे हैं जैसे एंगल ऑफ डिप ठीक है तो एंगल ऑफ डिप इज बेसिकली द इंक्लिनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन ठीक है दैट इज इज नोन एज डिप डिप ठीक है तो एंगल ऑफ ऑलवेज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन ठीक है तो ये वाला जो लाइन है रेड लाइन ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है अगर मैं ये बनाऊं ये फॉल्ट का सरफेस है ना राइट right? तो दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ डिप वही अगर वर्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर मैं फॉल्ट प्लेन के एंगल को नापू तो उसको हम बोलते हैं हेड द एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द वर्टिकल ठीक है ना तो दो चीजें यहाँ पे आ गई एक तो एंगल ऑफ डिप आ गया फॉल्ट प्लेन का ठीक है फॉल्ट सरफेस का एंगल ऑफ डिप आ गया है ना ये वाला सरफेस के, कि, के रिस्पेक्ट में कितना ये डिप कर रहा है वही हॉर्जेंटल सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना ये डिप कर रहा है ठीक है वहीं वर्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना ये डिप कर रहा है उसको हम बोलेंगे हेड ठीक है हेड ठीक है तो ये दोनों हैं आपके एंगल ठीक है एक होता है स्लिप स्लिप क्या होता है द डिस्प्लेसमेंट टू आइदर साइड ऑफ अ फॉल्ट प्लेन ऑफ पॉइंट्स विच वर ओरिजिनली कोइंसिडेंट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज नोन एज स्लिप ठीक है सिंपल बात ठीक है और नेट स्लिप इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज स्लिप ठीक है ठीक ठीक है, है है, 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 है का मतलब क्या कि कि अगर ये 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 आपका और वाला जो hanging wall है, ये कुछ इस तरीके से किया इन ऑब्लिक डायरेक्शन दो कंपोनेंट होंगे एक तो ये वाला होगा जो कि 90 डिग्री होगा विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक ऑफ प्लेन है ना? ये आपकी स्ट्राइक होगी ना फॉल्ट प्लेन की क्योंकि फॉल्ट प्लेन भी तो इंक्लाइन कर रहा है ठीक है और ये आपका डिप हो गया ठीक है तो स्ट्राइक के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री में आपका हो गया डिप स्लिप कंपोनेंट ठीक है और नेट स्लिप क्या मतलब लार्जेस्ट स्लिप तो ये है ना तो ये आपका नेट स्लिप हो गया ठीक है और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो गया दैट इज द स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट है ना ये स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट तो नेट स्लिप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिप स्लिप प्लस स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट ठीक है तो क्योंकि है तो ये वेक्टर्स, राइट right? ये तो दिस इज स्ट्राइक स्लिप दिस इज डिप स्लिप कंपोनेंट एंड दिस इज योर नेट स्लिप ठीक है फिर आता है आपका पिच या रेक पिच रेप क्या है बेसिकली कि इट इज मेजरमेंट ऑफ द एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजोंटल एंड नेट स्लिप है न मतलब अगर नेट स्लिप का डायरेक्शन ये है तो अगर मैं हॉर्जेंटल से इस नेट स्लिप को नापू तो ये एंगल जो होगा ठीक है हॉर्जेंटल से मैं नापाऊं तो यह एंगल जो होगा इसको हम बोलेंगे पिच या रेक ठीक है इट इज ऑल्सो नोन एज द डिग्री ऑफ ऑब्लिक एंगल बिटवीन द स्लिप सर्फेस स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट सर्फेस ठीक है एंड द स्लिप वैक्टर मतलब किस डायरेक्शन में स्लिप का है तो जिस डायरेक्शन में स्लिप होगा उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे नेट स्लिप भी तो बोलेंगे है ना ठीक है तो फॉल्ट सरफेस में कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जो एंगल जो सॉरी नेट स्लिप को दिखाते हैं जैसे कि है ना स्लिकन लाइन हम बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे ठीक है इनको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या क्या मतलब जो फॉल्ट का सरफेस होता है उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं ठीक है तो स्लिकन लाइन स्लिकन साइड नेट स्लिप को दिखाते हैं ये ग्रूव होते हैं फॉल्ट के सर्फेस में तो वहां से हम पता लगा सकते हैं कि नेट स्लिप किस डायरेक्शन में हुआ है है ना नेट स्लिप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिप स्लिप एंड द स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट ठीक है ऑरिजेंटल कंपोनेंट अब हम ये नेट स्लिप क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे के टाइप ऑफ फॉल्ट ठीक है सो इन ऑर्डर टू डिफाइन नेट स्लिप

इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसका डिप स्लिप कंपोनेंट मतलब जो ये वाला कंपोनेंट है ठीक है वो कितना है और स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट वो कितना है ठीक है तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो आपका नेट स्लिप रहेगा ठीक है ठीक है तो डिप स्लिप का मतलब ही क्या है कि अगर ये फॉल्ट प्लेन है है ना फॉल्ट प्लेन की डिप डायरेक्शन की पैरल जितना डिप हुआ है उसको हम बोलेंगे डिप स्लिप है ना और फॉल्ट प्लेन के स्ट्राइक ये फॉल्ट तरफे से इसकी स्ट्राइक है रेड लाइन ठीक है इसके अलोंग इसके पैरल जितना आपका स्लिप हुआ है उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट और नेट स्लिप आपका ये वाला हो गया ठीक है तो ये चीज ये दो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट डिप स्लिप कंपोनेंट एंड नेट स्लिप एंड ऑब्वियसली रेक हम नेट स्लिप और हॉरिजॉन्टल कि स्ट्राइक लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे रेक एंगल ठीक है या पिच ठीक है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है नाउ अब आता है आपका डिप स्लिप फॉल्ट इनके बेसिस पे हम डिप स्लिप फॉल्ट ठीक है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ये सब डिफाइन करेंगे है ना या ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट तो देखो नाम से तो पता ही चल रहा है जैसे ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट है तो ये ये वाला फॉल्ट कौन सा है ऑब्लिक स्लिप क्योंकि इसमें ऑब्लिकली जो हैंगिंग वॉल है वो मूव किया है विद रिस्पेक्ट टू फुट वॉल है ना ऑब्लिकली मूव किया है क्योंकि इसमें क्या है नेट स्लिप जो है वो ऑब्लिक हो रही है बट व्हाट इफ वट इफ दिस ब्लॉक हैज नॉट मूव्ड ऑब्लीक रादर लेट से यह वाला ब्लॉक जो है ना पूरा का पूरा मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं कि यह आपका फॉल्ट प्लेन है और जो ब्लॉक है वो ये है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हो कि ओनली देर इज डिप स्लिप कंपोनेंट है ना स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट तो है ही नहीं अगर ये आपकी फुटबॉल है ये वाला है ना और फॉल्ट प्लेन अगर ये है अगर ये ये वाला फॉल्ट प्लेन है तो इसमें आप देख सकते हो कि देर इज नो ऑब्लिक मूवमेंट रादर ओनली देर इज डिप स्लिप कंपोनेंट मतलब जो स्लिप हुआ है दैट इज ओनली पैरल टू द डिप ऑफ दर्फेस है ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिप स्लिप कंपोनेंट रहेगा तो इसमें जो नेट स्लिप होगा वो ओनली देर विल बी ओनली डिप स्लिप है ना नेट स्लिप विल बी ओनली डिप स्लिप राइट तो इसको हम बोलेंगे डिप स्लिप फॉल्ट ठीक है पे है है, है ना? Net slip जो है, वो parallel है, dip direction के, तो उसको हम बोलेंगे डिप स्लिप फॉल्ट इफ द वैक्टर रफली पैरल ऑफ द फॉल्ट है ना और अगर मैं ये देखूं कि इसमें ठीक है देर इज नो नो इफ देर इज नो डिप स्लिप इफ देर इज नो डिप स्लिप कम्पोनेट ओनली हरिजेंटल स्लिप है ना अगर फॉल्ट लॉक सिर्फ इस तरीके से है सिर्फ देर इज ओनली हॉरिजेंटलिजेंटल कंपोनेट तो आपका क्या हो जाएगा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ठीक है और अगर दोनों कंपोनेंट है स्ट्राइक स्लिप कम्पोनेट भी है डिप स्लिप कम्पोनेंट भी है, है ना डिप स्लिप भी है स्ट्राइक स्लिप भी है तो नेट स्लिप आपका ये ऑब्लिक हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा स्ट्राइक स्लिप डिप स्लिप ठीक है एंड नेट स्लिप ठीक है नाउ नाउ वी वी हैव हैव गॉट गॉट एन राइट कि नेट स्लिप क्या होता है स्ट्राइक स्लिप क्या होता है और डिप स्लिप कंपोनेंट क्या होता है ठीक है तो उसके बेसिस पे हम डिफाइन uh, करते हैं सो हू कैन सी नॉर्मल देखो नॉर्मल फॉल्ट तो हमें पता है कि हैंगिंग वॉल फुट वॉल के रिस्पेक्ट में क्या है डाउन थ्रो हो रही है लेकिन नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट ठीक है तो इसमें नॉर्मल डिप स्लिप में क्या है आप देख सकते हो कि जो नेट स्लिप है दैट इज योर डिप स्लिप राइट मतलब इसमें कोई स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट नहीं है ना आप देख सकते हो कि ब्लॉक डायरेक्टली पैरेलल स्लिप हुआ है विद डायरेक्शन ऑफ डिप है ना डिपी के डायरेक्शन में क्या है स्लिप हुआ है तो आप देख सकते हो कि फॉल्ट प्लेन में जो ग्रूव वगैरह दिखते हैं उनको हम बोलते हैं स्लिकन लाइन ठीक है जो कि बेसिकली दिखाते हैं कि, कि किस डायरेक्शन में फॉल्ट ब्लॉक मूव किया है तो यहाँ पे कोई नेट स्ट्राइक स्लिप का कंपोनेंट तो है नहीं तो जो नेट स्लिप होगा दैट विल बी इक्वल टू योर डिप स्लिप दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉर्मल फॉल्ट या नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट ठीक है इसी तरीके से रिवर्स डिप स्लिप रिवर्स डिप स्लिप में क्या होगा ठीक no है? मतलब move नहीं किया है uh, जो हैंगिंग वॉल मूव किया है ठीक है? Uh, uh, इसी तरीके से लो एंगल नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट ठीक है मतलब 45 degree, 30 degree से कम का अगर एंगल होगा फॉल्ट प्लेन का दैट इज नोन एज लो एंगल ठीक है अगेन अच्छा थ्रस्ट फॉल्ट जिसमें हैंगिंग वॉल क्या है इट एज मूव्ड अपवर्ड्स बट लो एंगल अगर तो लो एंगल आपका क्या है रिवर्स फॉल्ट फॉल्ट है है दैट इज नोन एज थ्रस्ट ठीक लो एंगल जनरली 30 डिग्री या 45 डिग्री से कम होता है ठीक है अगर फॉल्ट प्लेन का जो इंक्लिनेशन है या डिप है दैट इज नोन एज लो एंगल ठीक है तो 45 डिग्री या 30 डिग्री से कम है दैट इज नोन एज लो एंगल तो अगर लो एंगल रिवर्स फॉल्ट है तो उसको हम क्या नाम देते हैं थ्रस्ट फॉल्ट ठीक 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 है 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 तो तो ये आगे भी अभी हाँ, थ्रस्ट fault भी अभी पूरे के ऊपर पूरा एक वो हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से तो में हमने देखा था कि there is no dip slip component, सिर्फ स्ट्राइक के हॉरिजोनटली आपका क्या है मूवमेंट हो रहा है ब्लॉक्स का ठीक है तो स्लिकल लाइन आप देख सकते हो ग्रूब ऑन प्लेन फिर से मैं कह रहा हूं इनको हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे जब हम

आपको apparent दिखेगा कि जो फुटबॉल है ये लेफ्ट साइड आपकी मूव की है हालांकि जो मूवमेंट है वो ऑब्लिक है लेकिन इसमें दो फैक्टर्स हैं एक स्लिप फैक्टर भी है और एक क्या है आपका डिप स्लिप फैक्टर भी है ठीक है ना आई होप आपको बात समझ आ रही होगी है ना इसमें स्ट्राइक स्लिप फैक्टर भी है और डिप स्लिप फैक्टर भी है तो आपका नेट स्लिप ये आ गया ठीक है आर योर ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट ठीक है तो रिवर्स लेफ्ट लेटर फॉल्ट नॉर्मल लेफ्ट लेटर फॉल्ट इसी तरीके से रिवर्स राइट लेटर भी हो सकता है नॉर्मल राइट लेटर भी हो सकता है ठीक है तो आई आयोप राइट लेफ्ट राइट लेटर क्या होता है लेफ्ट लेटर क्या होता है ये आपको आइडिया हो गया होगा है ना हमेशा आपको अपोजिट वाली साइड देखनी है खड़े होकर ठीक है आप इस पे भी खड़े हो जाओगे तो आपको दिखेगा कि हैंगिंग वाला जो ब्लॉक है इट हज मूव टुवर्ड्स योर लेफ्ट है ना हैंगिंग वाला जो ब्लॉक है इट इज मूव टुवर्ड्स योर लेफ्ट राइट

दस से तीस डिग्री मॉडरेट तीस से साठ डिग्री है ना तो जनरली तीस डिग्री से जब कम होता है तो हम उसको लो एंगल बोलते हैं जैसे थ्रस्ट फॉल्ट होता है तो थ्रस्ट फॉल्ट में आपका जो रिवर्स uh, फॉल्ट का फॉल्ट प्लेन होता है दैट इज थर्टी डिग्री और लेस है ना उसका जो डिप एंगल होता है वो थर्टी डिग्री और लेस होता है ठीक है अच्छा एक होता है ट्रांसफर फॉल्ट ट्रांसफर फॉल्ट बेसिकली क्या होता है इट्स इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिक स्लिप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट दैट ट्रांसमिट्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सिमिलरली ओरिएंटेड फॉल्ट सेगमेंट्स ठीक है तो यहां पे आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है ये एक तरीके का स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है ठीक है और इसके आसपास फर्स्ट लेट से दिस इज सेकंड ये क्या है नॉर्मल फॉल्ट्स फॉल्ट ठीक है सो दैट ट्रांसमिट्स द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सिमिलरली ओरिएंटेड फॉल्ट सेगमेंट ठीक है बस ये आपको ध्यान में रखना है कि आज के दोनों तरफ क्या है आपके नॉर्मल फोल्ड रहेंगे और ये आपका बीच में स्ट्राइक तो का क्या है स्लिप है है ठीक इसको भी रहने देते हैं तो थ्रस्ट फॉल्ट जैसे हम कह रहे थे थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है लो एंगल रिवर्स फॉल्ट इज नोन एज थ्रस्ट फॉल्ट है ना और जनरली ये फॉल्ट जो होता है वो जनरली रीजनल स्केल पे होता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के आसपास ठीक है एंड जो इसकी हैंगिंग वॉल होती है ये वाली ये जनरली थ्रस्ट शीट्स फॉर्म करती है जिनको हम नैपीज बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं ठीक है nappies, फिर थ्रस्ट फॉल्ट वैसे एक अलग से टॉपिक है इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जहां हम रैम्प और फ्लैट भी डिस्कस करेंगे ठीक है फॉल्ट बेंड फोल्ड डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ठीक है तो थ्रस्ट फॉल्ट लो एंगल रिवर्स फॉल्ट ंगल जनरली थर्टी डिग्री से कम ठीक है कम होगा तो इस तरीके से होगा ना राइट ओके सो ठीक है तो थ्रस्ट फॉल्ट में दो नाम आते हैं एक त, दो टर्नोलॉजीज आती हैं एक होती है रैम्स और एक होते हैं फ्लैट ठीक है flats, तो रैम्प और फ्लैट बेसिकली क्या होता है देखो अगर आप थ्रस्ट फॉल्ट को देखोगे तो ये आपका थ्रस्ट दिख रहा है, है है? है ना? ना? इसमें क्या कर रही कर रही रही तो नाम से पता चल रहा है रैम्प है तो इंक्लाइंड आपको दिखेगा है ना और फ्लैट है तो जो हैंगिंग वॉल वाला पोर्शन है जो बेड है वाला, इट इज पैरेलल टू द वॉल है ना वेल इन रैंप वाला केस में क्या होगा हैंगिंग वॉल जो है इट इज इंक्लाइंड टू द फुट वॉल है ना तो ये आपको दिख रहा है रैंप रैंप Ram. है ना ये रैंप इसको बोलते हैं रैंप ठीक है तो ये रैंप फ्लैट ये हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे इन अपकमिंग लेक्चर्स ओके ठीक है तो हैंगिंग वॉल रैम्प हैंगिंग वॉल फ्लैट फुट वॉल रैम्प फुट वॉल फ्लैट ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से तो आप देख सकते हो कि रैम्प में क्या होता है ये दोनों थ्रस्ट फॉल्ट ठीक है रैंप में क्या हो रहा है जो आपकी लेयर्स हैं दीज आर इंक्लाइंड ठीक है टू टू द रैंक और फ्लैट में क्या हो रहा है द लेयर्स पैरल ठीक है नाउ ये आपको समझ में आ गया कि रैंप क्या होता है इंक्लाइंड होता है फ्लैट इज हॉरिजॉन्टल ठीक है अब हैंगिंग वॉल रैंप क्या होता है फुटबॉल फ्लैट क्या होता है हैंगिंग वॉल फ्लैट क्या होता है ये हम देखते हैं देखो ये इसी इस में इसको देखो ठीक है ए बी ठीक है इसमें देखो हैंगिंग वॉल क्या है ये ऊपर वाला जो है वो हैंगिंग वॉल है ठीक है बिकॉज इट एज मूव इट इज मूविंग अपवर्ड्स और ये फुटबॉल है ठीक है बीच में ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है दिस इज योर थ्रस्ट फॉल्ट राइट तो अब ए बी को देखोगे तो ए बी क्या है आपका इज अ हैंगिंग वॉल फ्लैट ऑन अ फुट वॉल फ्लैट ठीक है ए बी इज हैंगिंग वॉल फ्लैट ऑन अ फुट वॉल फ्लैट राइट सो हियर यू कैन सी देखो हैंगिंग वॉल फ्लैट का मतलब क्या है कि ये सारी लेयर्स आपको दिख रही हैंगिंग वॉल की ठीक है वो इस पोर्शन में भी हॉरिजॉन्टल है तो दिस इज योर हैंगिंग वॉल फ्लैट और फुट वॉल फ्लैट में भी आप देख सकते हो कि जो ये ये वाली लेयर है ये भी हॉरिजॉन्टल है पैरेलल है इस पोर्शन के सो बोथ आर हैंगिंग वॉल फ्लैट ठीक है अब अगर बीसी सेगमेंट आप देखोगे सेगमेंट बीसी ठीक है ये वाला पोर्शन बीसी सेगमेंट है ना बीसी इज वॉट देखो इसमें तो सारी लेयर्स क्या है अगर हम हैंगिंग वॉल को देखें तो हैंगिंग वॉल की सारी लेयर्स पैरल हैं बीसी के तो ये हो जाएगा आपका हैंगिंग वॉल फ्लैट राइट बट इन इन दिस पोर्शन ऑफ द थ्रस्ट प्लेन राइट तो ये हो जाएगा आपका वॉल रैम्प है ना ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा वॉल रैम्प क्योंकि इसमें क्या है आर इंक्लाइंड टू योर पोर्शन ऑफ थ्रस्ट फॉल्ट प्लेन है ना तो यह हो जाएगा आपका फुटबॉल फ्लैट सॉरी फुटबॉल रैम्प ठीक है इसी तरीके सी डी सी डी में आपका क्या होगा इज अ हैंगिंग वॉल रैम्प है ना तो आप देख सकते हो कि सी डी में जो लेयर्स हैं दीज आर इंक्लाइंड और दीज आर कटिंग दी पोर्शन दिस पोर्शन सी डी है ना तो ये हो जाएगा आपका हैंगिंग वॉल का रैम राइट right? और फुट वॉल का हो जाएगा आपका फ्लैट, ठीक है और विल बी अगेन फुट फुट हैंगिंग वॉल वॉल फ्लैट एंड ठीक है? तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने थ्रस्ट फॉल्ट के पढ़े हालांकि हम थ्रस्ट फॉल्स के फॉल्ट के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में ठीक है ना तो आई होप रैम्प और फ्लैट ज्योमेट्री आपको आइडिया हो गया होगा रैम्प और फ्लैट क्या होता है ठीक है ना ओके okay. अच्छा ये वाला पोर्शन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का है तो ये हम आगे देखेंगे ठीक है अपकमिंग लेक्चर्स में जब हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ट्रांसप्रेशन होता है ट्रांस टेंशन होता है ठीक है फ्लावर स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव फ्लावर पॉजिटिव फ्लावर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे ठीक है अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ठीक है तो जैसे हम थ्रस्ट शीट्स की बात कर रहे थे ना कि जो जनरली थ्रस्ट जो होता है वो रीजनल फॉल्ट होते हैं ठीक है और हैंगिंग वॉल फॉर्म्स दी थ्रस्ट शीट्स तो एक्चुअल में देखो किस तरीके से होता है आप देख सकते हो तो ये थ्रस्ट फॉल्ट है है ना ये थ्रस्ट फॉल्ट है ना तो अब देखो हैंगिंग वॉल कौन सा है ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है पूरी की पूरी शीट है लो एंगल फॉल्ट है ना ये तो ये आपका हैंगिंग वॉल होगा क्योंकि इट इज मूविंग अपवर्ड्स और ये आपकी होगी फुटफॉल है ना तो इसमें आपको देखेगा ये जो पूरी की पूरी शीट्स लो एंगल थ्रस्ट फॉल्ट लो एंगल रिवर्स फॉल्ट में जो आपका जो ये हैंगिंग वॉल अपवर्ड मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं नैपे क्योंकि ये पूरी शीट टाइप का बनाता है है ना अर्थ सरफेस पे दिस इज नैपे तो इसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं जैसे क्लिपे हो गया विंडो हो गया ठीक है ऑटोथोन हो गया हो गया, ठीक है तो क्लिपे बेसिकली क्या है कि अगर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आपकी थ्रस शीट चली गई अपनी ओरिजिनल पोजिशन से है ना और यहाँ पे इरोजन के कारण आपका बेड रॉक दिख रहा है और क्लिपे इज ओनली यू नो दिस पोर्शन दट इज लेफ्ट ऑफ द्रस शीट दिस इज नोन एज क्लिपे ठीक है इसी तरीके से अगर थर्स शीट में आपको नीचे का पोर्शन दिख रहा है ये इरोजन के कारण या किसी और चीज के कारण आपको फुटवॉल वाला पोर्शन दिख रहा है ओल्डर पोर्शन दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे विंडो है ना एलोथान वो पार्ट होता है जो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर चला गया है ठीक है इसको हम बोलते हैं एलोथोन ठीक है ये वाला पोर्शन वही ऑटोथोन क्या होगा ये अपनी ओर ये फुटवाल वाला पार्ट है तो ये ऑटोथॉन होगा क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे ही रहा है है ना मूवमेंट किसने किया यहाँ पे थ्रस्ट शीट ने किया है है ना तो एलोथॉन वाला पार्ट किसका होगा थ्रस्ट शीट का होगा ठीक है तो विंडो क्लिपे ये आप और अच्छे से पढ़ सकते हो थोड़ा सा सर्च करना तो आपको और आइडिया हो जाएगा ठीक है हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है तो कुछ टर्म्स मैं आपको दे रहा हूं क्लिपे नैपी विंडो ठीक है एलोथॉन ठीक है ऑटोथॉन ये टर्म्स आप पढ़ सकते हो ठीक है और ये आपको ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी आती है जियोलॉजी की ठीक है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो यहाँ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हो डीएम कर सकते हो मेरे नंबर पे दैट इज योर नाइन टू फाइव एट थ्री सिक्स थ्री डबल टू एट ठीक इस पे आप मुझे डीएम करना या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई ऑक्सफोर्ड जियोलॉजी ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है जियोलॉजी की ठीक है उसमें इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी जो है वो आपको दिख जाएंगी ठीक है नाउ थ्रस्ट के साथ एक टर्मोलॉजी जुड़ी हुई है जो है डिकोलमा या डिकोलमेंट इसको बोलते हैं फ्रेंच वर्ल्ड में इसको डिकोलमा बोलते हैं ठीक है इट्स कॉल्ड डिटैचमेंट है ना कहीं कहीं इसको नॉर्मल फॉल्ट के साथ भी जोड़ा जाता है तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना ठीक है डिटैचमेंट बेसिकली क्या होता है दिस टर्म इज यूज फॉर फॉल्ट दैट इनिशियट एज अ अजेंटल और सब हॉर्जेंटल सर्फेस ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉल्ट का सर्फेस होता है डिटैचमेंट में वो हॉर्जेंटल या सब हॉरिजेंटल सर्फेस होता है अलॉन्ग विच हैंगिंग वॉल शीट ऑफ रॉक मूव रिलेटिव टू द फुटबॉल ठीक है तो इसमें यह नहीं बता रखा है कि रिलेटिव अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि जनरली ये हॉरिजेंटल और सब हॉरिजेंटल होता है तो ये दोनों रिजीम में पाया जाता है आपका नॉर्मल फॉल्टिंग में भी एंड रिवर्स फॉल्टिंग में भी ठीक है मतलब बहुत ही लो एंगल रिवर्स फॉल्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पे है ना तो आप इसको यू you नो know, एक पर्टिकुलर डोमेन की तरफ नहीं कह सकते हो कि ये रिवर्स फॉल्ट है या नॉर्मल फॉल्ट है बट जनरली ये कंप्रेसिव रिजीम में होता है

मेन हिमालयन थ्रस्ट भी कहते हैं तो इट कुड बी आइदर थ्रस्ट और नॉर्मल फॉल्ट जैसे साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट है एस बोलते हैं इसको तो ये एक तरीके का नॉर्मल फॉल्ट है राइट सो इट कुड बी नॉर्मल इट कुड बी है ना तो जैसे यहां पे लिखा हुआ इन सम टेक्स्ट बुक डिटैचमेंट फॉल्ट इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉल्ट ठीक है ये आपको ध्यान में रखना जैसे मेन हिमालयन डिकोलमेंट है ठीक है तो एम भी इसको बोलते हैं मेन हिमालयन थ्रस्ट सॉरी मेन हिमालियन थ्रस्ट आई आई थिंक इज दिस वन ठीक है सो मेन हिमालयन डिकॉन में तो आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल है है पूरा का पूरा का ना एंड इन इज जनरली रिमेन्स स्टेबल है ना फुटबॉल आपका जो यहाँ पे लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इंडिया का वो स्टेबल है एंड हैंगिंग वॉल जो कि ये पूरा का पूरा पोर्शन है बहुत ही बड़ा रीजनल स्केल पे इट इज मूविंग है ना तो कहीं कहीं पे इसको ओवर थ्रस्ट भी कहते हैं ठीक है इज अ रीजनल डिटैचमेंट फॉल्ट ऑन विच देर है बट कहीं पे आपको नॉर्मल फॉल्टिंग भी दिखेगी जैसे अगर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की बात करें ठीक है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की बात करें तो उसमें डिटैचमेंट को एक लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट डिफाइन किया गया है है ना फॉर्म ड्यू टू और ये ए के जैन की बुक है ठीक है उसमें भी ये नॉर्मल फॉल्टिंग दे रखी है तो आपको ध्यान में रखिए कि रखना है कि नॉर्मल फॉल्टिंग बेसिकली एक्सटेंशनल रिजीम ठीक है थीके? जब हम फर्स्ट और एक्सटेंशनल जब हम कंप्रेसिव की बात करेंगे और आगे लेक्चर्स में या एक्सटेंसिव की बात करेंगे जहां पे रिफ्टिंग होती है 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 ना रिफ्टिंग होती वहां पे एक्सटेंशन होता है रिफ्टिंग रिफ्टिंग आपको पता है दो प्लेट्स आपस में अपोजिटली मूव कर रही है, है ना तो वहां पर आपकी नॉर्मल फॉल्टिंग बनती है ठीक है सो

नॉर्मल एंड रिवर्स ठीक है तो इसमें क्या होगा डिप स्लिप फॉल्ट में क्या होगा आपकी पिच ठीक है 90 डिग्री रहेगी है ना मतलब रेक क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा ना राइट right? ये आपकी नेट स्लिप होगी तो रेक विल बी 90 डिग्री है ना तो 90 डिग्री पिच ठीक है पिच या रेक तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे क्या है डिप स्लिप फॉल्ट हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है ना ठीक है फिर यहाँ पे आपके Oblique slip fault आ जाएंगे इस वाले रीजन में अगर पिच 30 से 60 डिग्री के आसपास है ठीक है? और यहां पे dip slip dominated, मतलब मतलब क्या क्या होगा? जो net slip होगा, मतलब वो क्या होगा? जो वो 60 से 90 degree के बीच होगा, राइट? मतलब जो pitch होगी वो 60 से 90 degree के बीच होगी, कुछ इस तरीके से राइट और फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होगा आपका जीरो डिग्री डिप होगा डिप क्या होगा जीरो डिग्री होगा ना डिप तो होगा ही नहीं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा तो आपका डिप uh, uh, नहीं होगा है ना फॉल्ट ब्लॉक क्या होगा हॉरिजेंटल मूव करेगा तो पे फॉल्ट ब्लॉक में कोई डिप वगैरह नहीं होगा सिर्फ हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट होगा ओनली राइट right? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बाकी यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजीज दे रखी हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है है ना जैसे वर्टिकल फॉल्ट होते हैं तो यहाँ पे ये वाला फॉल्ट क्या आपका वर्टिकल फॉल्ट है वर्टिकल फॉल्ट में क्या होगा दैट हाइव डिप ऑफ अबाउट नाइनटी डिग्री ठीक है 90 डिग्री का डिप यहां पे आपको दिख रहा है है ना फॉल्ट सरफेस का जो डिप है इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है राइट देन देर इज अजर्स फॉल्ट सीजर्स फॉल्ट में क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है ब्लॉक का है ना वन फॉल्ट ब्लॉक कैन रोटेट अराउंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सीजर्स फॉल्ट राइट रोटेशन मूवमेंट ठीक है ठीक है वी कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश अमोंगी ऑल्सो डिस्टिंग अमोंग फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कॉज शॉर्टनिंग और लेंथनिंग ठीक है तो अगर शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो रही है जैसे लेंथनिंग हो रही है लेयर्स की एक्सटेंशन फॉल्टिंग हो रही है, है एक्सटेंशन एक्सटेंशन फॉल्टिंग में क्या होगा आपका नॉर्मल फॉल्ट बनेगा राइट right? वहीं अगर कॉन्ट्रेक्शन कंप्रेशन हो रहा है तो शॉर्टनिंग हो रही है है ना कॉन्ट्रेक्शन Contr रिजीम जैसे माउंटेन बिल्डिंग होती है तो वहां पे आपके जनरली थर्स्ट फॉल्ट बनते हैं राइट देन देर इज होस्ट एंड ग्रेबंस होस्ट और ग्रेबन बेसिकली क्या होते हैं नॉर्मल फॉल्टिंग में आपके बनते हैं जब एक्सटेंशनल फॉल्टिंग होती है तब आपके होस्ट एंड ग्रेबन बनते हैं ठीक है थीके? तो अगर देयर इज अ डाउन थ्रोन ब्लॉक ठीक है टू सेपरेट नॉर्मल फॉल्ट डिपिंग टूवर्ड्स डाउन थ्रोन ब्लॉक नोन एज ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो ये ग्रेबन है ग्रेवन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल फॉल्ट ही है एक नॉर्मल फॉल्ट है ना ये है ना आपका इस तरीके से तो एक नॉर्मल फॉल्ट ही हो गया दूसरा नॉर्मल फॉल्ट हो गया और बीच में आपका डाउन थ्रोन ब्लॉक हो गया मतलब देर इज अ कॉमन डाउन थ्रोन ब्लॉक देर इज अमन हैंगिंग वॉल ब्लॉक ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री बन रही है दिस इज नोन एज ग्रेबन ठीक है ठीक है सो देर इज अ कॉमन डाउन थ्रोन ब्लॉक ब्लॉक दट इज नोन एज ग्रेबन वहीं पे क्या है अगर दो नॉर्मल फॉल्ट है दिज आर डिपिंग अवे फ्रॉम इच अदर है ना यहाँ पे क्या है नॉर्मल फॉल्टर डिपिंग टूवर्ड्स इच अदर राइट डिप क्या कर रहे हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं ठीक है टुवर्ड्स ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन ये भी आपको ध्यान में रखना है है ना एंड अवे फ्रॉम ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन तो इसमें नॉर्मल देर इज अर आर टू हैंगिंग वॉल्स एंड वन फुटबॉल राइट तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दो नॉर्मल फॉल्ट बट टिपिंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द अप्रोन देर इज अप्रोन ब्लॉक ओके अप थ्रोन ब्लॉक इज अपर इज नो अप्रोन ब्लॉक देर आर टू डाउन थ्रोन ब्लॉक एंड फुटबॉल इज वन राइट ठीक है देन देर इज रोल ओवर और रिवर्स ड्रैक फॉल्ट ठीक है इसको हम बोलते हैं हाफ ग्रेबन ठीक है इस जोमेट्री तो को एक मेन फॉल्ट होता है अगर मेन मेन फॉल्ट के आसपास पास आ, कुछ फॉल्ट हैं जो कि सेम डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं तो उनको सिंथेटिक फॉल्ट कहते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और अब इन टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में डिप कर रहा है मेन फॉल्ट के तो वो हो जाएगा एंटीथेटिक फॉल्ट है ना मेन फॉल्ट फॉल्टेट से डिप कर रहा है आपका नॉर्थ की तरफ ठीक है और आपका जो

Host. But I think if अगर ये normal fault है दोनों के दोनों तो ये आपका डाउन थ्रोन ब्लॉक होगा तो hanging wall आपकी ये वाली होगी है ना दो होगी होगी और एक ठीक है तो वॉल के रिस्पेक्ट में ये डाउन थ्रोन हो गया डाउन थ्रोन चला गया ठीक है आई होप इज क्लियर ओके सो इस लेक्चर को मैं भी फिनिश करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे फॉल्ट नेट स्लिप ठीक है ओके okay. एंड फिर हम डिस्कस करेंगे थर्स्ट फॉल्ट्स नॉन नॉर्मल फॉल्ट एंड स्ट्रक्चरल फॉल्ट ठीक है डिटेल में सो दिस इज इट फॉर टू लेक्चर आई होप यू लाइक द लेक्चर ठीक है कुछ अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाई